अभी विवेक बिंद्रा जी बहुत बुरे फंसे हुए हैं, एक प्रोफेशनली संदीप महेश्वरी जी के साथ और दूसरा अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी वाइफ वाले केस में। सभी को पता है क्या हो गया है, लेकिन आप और हम जो ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, अगर सीरियसली, मैंने बहुत पहले इस पर एक वीडियो ही बनाया था, अगर आपको विवेक बिंद्रा जी की हालत को देख करके, उनके कंडीशंस को देख करके, अभी जो उनके साथ बुरा वक्त चल रहा है उसको देख करके इतनी से भी खुशी मिल रही है, इतनी से भी, तो बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, बहुत बुरा जा रहे हो आप। यूनिवर्स को एक्चुअली आप ये सिग्नल दे रहे हो कि इससे आपको मज़ा आता है और आपको भी ऐसी चीज़ें चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स का कुछ रूल ऐसा है कि जिस चीज़ से आपको मज़ा आता है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, और जिस चीज़ के लिए आप हाथ जोड़ कर बोलते हो, आप दुख दिखाते हो, आप अपनी संवेदना दिखाते हो, जिस तरफ, जिस दिशा में भी आप बुरा फील करते हो, वो अपने आप आपसे दूर हो जाता है। ऐसा ही है, किसी की बरकत को देख कर अगर हम जलते हैं, हम बुरा फील करते हैं, जलना मतलब बुरा फील करना, तो वो अपने आप हमसे दूर जा रहा है, वो बरकत हमसे दूर जा रही है। और यहीं पे किसी की बरकत को देखकर हम खुशी फील करते हैं, हम अच्छा फील करते हैं, हम दुआएं देते हैं उनको, और दुआएं देते हैं उनको, प्रोत्साहन देते हैं हम उनको, अपनी अच्छी भावनाओं से उनको अनुग्रहित करते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको कंग्रेचुलेट करते हैं, तो वो चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ये गुरुओं ने बहुत पहले सिखाया, माता पिता ने हमें बहुत पहले सिखाया कि किसी के अच्छे पे उन्हें अप्रिशिएट करो, उन्हें कंग्रेचुलेट करो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विवेक बिंद्रा की सक्सेस को देखा है उन लोगों ने, और अभी हाल फिलहाल में एक कम्युनिटी में बैठा हुआ था, लोग आपस में बात कर रहे थे, बोले थे बहुत तो पैसा कमाया है, बहुत तो ऊंचा ऊंचा दिखाया है, बहुत भगवत गीता चिल्लाता था, बहुत तो क्या बोलते हैं ऐसी ऐसी बातें करता, बहुत बच्चों लोगों को कोर्स बेचा है, ये किया है, वो क्या बिजनेस सिखा रहा, देखो हो गया ना, इसका दिख गया ना, रंग आ गया ना, इसलिए बोलता हूँ ज़्यादा नहीं उड़ना चाहिए। इस तरह की बातें मैं सुना, सीरियसली मैं बोला यार ये चीज़ आप अपने जीवन में क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? अपने उनकी वाइफ को लेके उन्होंने बात करते हुए, ऐसा इतना बड़ा बड़ा बनता था, इतना दुनिया भर का भगवद गीता करता था, देखो खुद अपनी वाइफ के साथ मोलेस्टेशन कर दिया, और खुद तो उसको मारपीट कर दिया, ऐसा, अरे क्यों क्यों चर्चा करना है, क्यों इतना बोलना है? जो हुआ है हो गया है, लेकिन अब सद्बुद्धि क्या कहती है, सही दिशा में आकर खड़े होना क्या कहता है, हमें हमारे संस्कार क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है कि जो हो गया सो हो गया, हे परमपिता परमात्मा धन्यवाद कि हम ऐसी चीज़ों से बचे हुए हैं, विवेक बिंद्रा जी को भी सद्बुद्धि मिले, सही रास्ता मिले, उन्होंने बहुत लोगों का भला किया। देखो भला तो किया, इतने मिलियन सब्सक्राइबर ऐसे ही तो नहीं है, देखो मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी देखो ना जी, उन्होंने उनके वीडियो से लोगों को भला हुआ है, उनको लोगों को रास्ते मिले हैं, मोटिवेशन मिला है, कई लोग अपने जीवन में कुछ करने का जज्बा लेके काम किए हैं। तो अगर उनसे पर्सनल लाइफ में कोई गलती हो भी गई है, प्रोफेशनल लाइफ में कोई गलती हो भी गई है, तो मैं माफ़ करने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यार खुश मत हो, बुरा तो फील करो कम से कम, यार गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ तक भी ठीक है, यार ये बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, नहीं, भगवान किसी किसी को भी ऐसा करने ना दे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ये सही मैनर है अपनी चर्चा को, अपनी बात को रखने का, अपने विचारों को रखने का। हाँ अब देखो आएगा मज़ा, क्या ये, हाँ देखो दिख गया ना, नहीं ऐसे में कभी आप बरकत नहीं कर पाओगे, किसी के भी डाउनफॉल को, किसी के भी बुरे वक्त को देख कर अगर अभी आपने मज़े लिए, बरकत नहीं कर पाओगे, किसी के भी जीवन की प्रॉब्लम से आपने मज़े लिए, रस लिया, नहीं बरकत कर पाओगे, वही चीज़ें आपके लिए अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी, और किसी के लिए भी आपने बुरा फील किया, आपने गलत, अपने दुख व्यक्त किया, अपने अंदर अंतरात्मा से उसके लिए एक सद्भाव निकाला कि इन्हें सद्बुद्धि मिले, सही रास्ता मिले, सही जगह पे उनको सही रास्ता दिखाया जाए, तो ये चीज़ आपके लिए भी आएगी। जो भी चीज़ आप अंदर से फील करते हो जी, वही चीज़ आपके लिए पहले आती है, बाद में किसी और के लिए जाती है, समझ में आया? तो क्या समझे, नहीं करना है ऐसा। नमस्ते है जी।